संस्कृति परंपराएं इंसान का वजूद होती है, उसकी पहचान होती है। उनको भूलना खुद को भूलने के समान है। मुमकिन है कि आज से पहले आप में से बहुत से लोगों ने बस यही सुना होगा कि लोगों में देवता आते हैं या किसी इंसान के अंदर शक्ति का आगमन हुआ है। बातों को गहराई से समझने के लिए आप इससे पहले के एपिसोड देख सकते हो, क्योंकि इससे पिछले 3 एपिसोड में हमने कुछ ऐसा ही देखा है। आज है day 3, वेलकम इन day 3 पूजा का। दिल्ली से निकले तो 4 दिन हो चुके हैं और आज है पूजा का फाइनल। तो जो जो एक्टिविटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मतलब जो जो चीज़ें होने वाली है पूजा में, आज वाले दिन में, तीसरे दिन में वो सारे दिखाऊंगा। और इसके बाद आज मॉर्निंग से व्रत भी है। अब जब पूजा का आखिरी हो जाएगा तब हम खाना खाएंगे। और काफ़ी बढ़िया माहौल बना रखा है। कल तो काफ़ी बढ़िया हो गया था, रात को कौथिक काफ़ी अलग अलग गाँव के लोग आ रहे थे, 4-5 गाँव इन्वाइटेड थे, तो अच्छी खासी भीड़ थी और बढ़िया डांस भी करा। बाकी अब देखते हैं कि आज क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने हैं ना, वीडियो अभी स्टार्ट हो रही है, आगे मिलते हैं। आज अठवाड़ सीरीज का आखिरी एपिसोड है और पूजा का आखिरी दिन भी। आज के दिन का प्रथम काम देवताओं का पंच स्नान है। इसमें सबसे पहले डंगरियों को हल्दी लगाई जाएगी, जिसको सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। के बाद अब देवताओं का स्नान होगा, जिसको पंच स्नान कहा गया है।
में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है। यहाँ कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवताओं से। कोई भी उपासक अपनी रुचि, कार्य, उद्देश्य के अनुसार अपनी देवी देवता का चुनाव और उनकी उपासना कर सकता है। ईष्ट देवता। ईष्ट का शाब्दिक अर्थ है प्रिय, यानी कि पसंदीदा। एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जिस देवी देवता की उपासना करता है उस देवी देवता को ईष्ट देवता बोला जाता है। कुल देवता। कुल देवता उन देवताओं को कहा गया है जो किसी परिवार के पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पूजे जा रहे हैं। भूम्याल देवता। भूम्याल देवता किसी भूमि या क्षेत्र के रक्षक देव को कहा गया है, जिसे क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो उस भूमि और क्षेत्र से जुड़े लोगों की रक्षा करता है। हमारे गांव हमारी भूमि के रक्षक कटकनाथ भैरव है, जिनका थान गांव के ठीक ऊपर है। अब समय है पूजा के अंतिम चरण का, जिसमें हम अपने ईश, कुल और भूम्याल देवता को प्रसाद चढ़ाएंगे और पूजा के इस कार्य को पूर्ण करेंगे। गांव के सभी लोग सबसे पहले गांव के क्षेत्रपाल यानी कि भूमिदेव कटकनाथ भैरव के थान में प्रसाद चढ़ाने आए हैं। हमारे परिवार के कुल देवता घनियाल देवता हैं, जिनको उत्तराखंड के कई भागों में घंडियाल, घंटाग्रण नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोगों ने इन देवता का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड में स्थानीय देवी देवताओं की सार्वभौम मान्यता प्राचीन काल से है। कथाओं के अनुसार घनियाल देवता को वीर अभिमन्यु का अवतार माना गया है।
जिस प्रकार केदारनाथ मंदिर का क्षेत्रपाल यानी कि रक्षक भैरव देवता को माना गया है, उसी प्रकार घनियाल देवता को बद्रीनाथ मंदिर का क्षेत्रपाल माना गया है। यह पूरी यात्रा, पूरी पूजा, यह पूरा अठवाड़ घनियाल देवता को समर्पित है। पूजा के इस आखिरी कार्य के साथ इस सीरीज की समाप्ति यहीं होती है। और जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में मैंने कहा था, संस्कृति परंपराएं इंसान का वजूद होती है, उसकी पहचान होती है, उनको भूलना खुद को भूलने के समान है। तो ये मेरु संदेश था देश प्रदेश में रहने वाले अपन भाई बंधु ते, अपन संस्कृति ते याद रखिया, अपन परंपराओं ते याद रखिया, अपनी भूमि उत्तराखंड ते याद रखिया। घनियाल देवता की जय, उत्तराखंड की जय। जो जैसे देव।